फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये देखो मेरे हस्बैंड कितना सारा प्रोडक्ट मेरे को ला के दिए आज, और भी थे एक दो जो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। तो मैं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे ये अभी दिसंबर तक मिल पाता कुछ भी। बल्कि ये किसी ने मेरे, उन्होंने भी शायद मेरे कमेंट जरूर पड़े होंगे, किसी ने उन्होंने बोला कि 5 रुपए वाली कोई क्रीम ला के दे देना, तो ये सोच के ना किसी ने वो क्रीम भी ला के दिए ये। और बाकी ये तो ज़रूरत का ही सामान है क्योंकि गर्मी भी आ गई है आजकल, तो धूप में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी लोशन तो होने ही चाहिए। तो मैं बता नहीं सकती, मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी क्योंकि ये तो उसकी इतनी तो तनख्वाही है एक दिन की, जितने को एक दिन का मेरा ये प्रोडक्ट ला के दे दिया उसने। बट बस दुआ है कि ये चले कम से कम मेरे 4-5 महीने। इतना अच्छा पति मिला है, बुराई कर रही हो, अच्छा ही देख कर मैंने शादी की थी, पर 6 साल में उसने मुझे इतना तंग कर दिया ना, मेरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने उससे शादी करके ज़िंदगी का सबसे बेकार फैसला लिया है। लेकिन जब से उसका लॉस हुआ है उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है और इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक उस जो वीडियो है ना, वो परमात्मा ने जरूर, उन लोगों ने जो होते हैं समझदार होते हैं जिनकी लाइफ ऐसी गुजरी होती है, उन्होंने मेरे लिए दुआ की होगी। इतने सारों की ब्लेसिंग के वजह से आज मेरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं और मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अगर किसी को अच्छा लगा हो वो वीडियो और मेरा दिल सच्चा लगा हो तो शायद से उस खुदा ने भी सुना और मेरा जीवन है सच में, वो जब से उनका लॉस हुआ मेरे से बहुत अच्छे से पेश आए और बहुत खुश हूँ मैं इस बात के लिए। आप मेरा जीवन मजाक समझते होंगे लेकिन मेरे साथ में जो पड़ोसी रहते हैं ना हमारे, उनको पता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे और उसके बाद भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं दोनों घर, हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वरना ऐसे कोई मतलब भी नहीं रखता आजकल। तो तुमको पता है कि जिसका घर बन गया वो अपने घर से मतलब रखता है, अड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन बहुत अच्छे हैं मेरे पड़ोसी कि वो देखते हैं वो लड़की इतना सहती है फिर भी उसकी बात मानती है, वो देखते हैं कैसे उठा उठा के मेरे हस्बैंड को मैं बिस्तरों पर सुला दूँ कि सो जाओ अंदर सो जाओ। तुम यकीन नहीं मानोगे उन्होंने मेरे साथ पहले क्या किया। यहाँ पे बताना नहीं चाहती, बुराई नहीं करना चाहती, जितनी की उतनी बहुत है लेकिन आगे नहीं करना चाहती। ऐसी है, आशीष के साथ नहीं खेल रही थी तो उसके पापा ने उसको ना टीवी चलाने की परमिशन दे दी और उसके बाद फोन भी और टीवी भी आज। और ये पड़ोसी के दूसरे लड़के के साथ खेल रही थी, सॉरी। अब ये कह रही है आशीष को बुला दो, अब वो इसके साथ खेलने को राजी नहीं हो रहा, वो अपना टीवी में मगन है, वो नहीं आ रहा बेटे मैं बाहर, मैं क्या करूँ। तो बाल प्रेस नहीं करती मैं, तो देखो कैसे मेरे बाल हो जाते हैं, जैसे पता नहीं कितने सारे बाल होंगे सर में, और प्रेस कर लो तो ये बहुत कम हो जाते हैं, जरा से हो जाते हैं। और मैंने कैसे अपने बाल गुस्से में काटे ना, मेरे को कभी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैंने सोचा था कि बहुत लंबे बाल करूँगी इस बार और ये थोड़े से रह गए। इसको बोलती रहती हूँ सो जा, सोती नहीं है। मैंने जो किया ना वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए किया था, मेरे पे थोड़े से लोग थे वही सुनते थे और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि मैं कभी वायरल भी हो जाऊँगी, पर हो गई। उसके लिए शुक्रिया आप लोगों का, मतलब आपको खुद को पता है कि जो पुराने लोग जुड़े हैं मैं कितने साल से वीडियो बना रही हूँ, यकीन नहीं आता तो आप जाकर चेक कर सकते हो। अब मेरे को ये नहीं पता था कि वही वाला वीडियो वायरल हो जाएगा, बल्कि मेरे हस्बैंड ना हंस रहे थे पीछे से और मुझे ये कहते हैं कि देख लियो ये वीडियो वायरल हो जाएगा, और मैं चुपचाप फिर भी मैं उन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसके बाद उनके 3 दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस हुआ, वो मेरी चीज़ें बेच के आया तब जाके उसका कर्जा पटा। और मैं उसको मजाक कर रही थी, मैंने कहा मैं एक क्रीम मांगती थी वो तो तुम लेके आते नहीं था, मैंने इतनी सारा तुम्हारा हेल्प किया, तो वो हंस रहे थे। तो अब जाके मेरा फिर से आज इतना सारा सामान ला के दिया उन्होंने चुपचाप से कि नहीं मेरी बीबी मेरे बुरे वक्त में काम आती है, ये सोच के। मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाया है, मैंने आप लोगों से हमेशा अपनी वीडियो में यही कहा है कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने उसकी अच्छाई देख के ही उससे शादी की थी। वो मेरे आने के बाद इतना बदल गया, मुझे बहुत टेंशन होती थी कि जिस इंसान को मैंने देख के शादी की थी आज वो गुण उसके अंदर है ही नहीं। मेरे को अच्छा लगता है मेरी छत पे और ये दीवारें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काश एक ही फ्लोर होता है, दीवारें ना होती तो मुझे अगल बगल की चीज़ देखने को मिलती, बट मुझे सामने का सीन देखने को मिलता है तो इसलिए मैं आती हूँ कभी कभी छत पे। तो अभी आ रही मैं, तो जब मैं बिल्कुल वीकनेस फील होती है तो मैं छत पे चढ़ भी नहीं पाती हूँ, तभी आई थी मैं। अरे अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ पे खड़े होके बस थोड़ी देर के लिए धूप आती है इतने एरिया में, यहाँ पे बस इसी टाइम आया जा सकता है, उसके बाद आओ तो नहीं। और मेरा दिल था कि मैं अपनी छत में ही हमेशा वीडियो बनाऊँ, ऐसा मेरा मन था और कभी नहीं कभी ये सपना मेरा ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मुझे छत चाहिए थी पर ऐसी छत नहीं चाहिए थी कि चारों तरफ दीवार हूँ। इसके लिए मैंने पहले इतना प्रार्थना करा, इतना मेहनत करा कि छत मिले, छत तो मिल गई, चढ़ भी गई लेकिन 4 दीवारें और हो गई, ये गड़बड़ कर दिया 4 दीवार ने। मैंने सोचा था मैं अपने स्टैंड लगा के यहाँ पे वीडियो शूट करूँगी, मैं रोड पे बनाती हूँ वीडियो तो लोग देखते हैं आस पड़ोस के नीचे बैठे रहते हैं अपना पलंग वलंग डाल के, तो यहाँ सोचा था मैंने यहाँ वीडियो बनाया करूँगी, बट सब कुछ गड़बड़ा गया। बहुत दिल दुखता है क्योंकि मेरी इच्छा जो थी वो कभी पूरी नहीं हुई। बहुत बोला मैंने हस्बैंड को कि बहुत टाइम हो गया, 4 साल पहले बोला था मैंने, लेंटर डला दो, पैसे भी थे उन पर, उन्होंने कभी ज़िंदगी में मेरी बात नहीं मानी,
ना मेरी पसंद की कोई चीज़ लेके भी नहीं दी उन्होंने कभी। मैंने बोला मेरे को ये वाला गैस पसंद आ रहा है, मेरे से पूछते जरूर पर कभी लेके नहीं दिया। हर चीज़ उन्होंने वो लिया जो उनको पसंद थी, यूँ नहीं कि मेरी वाइफ कह रही है तो ये चीज़ ले लूँ, ना ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। किसी को बुराई लगे तो बुराई सही, बट ये मेरे दिल का दुख है जो एक औरत मतलब एक्सपेक्ट करती है कि ऐसा कुछ हो, वैसा नहीं होता तो उसे दिल दुखता है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता रहा है, तभी मेरे पास लगता है कि कुछ चीज़ के लिए मेरे से ना ही पूछे तो अच्छा है। तो जब गड़बड़ हो जाती है तो फिर सारी राय के लिए मेरे से पूछने कि अब क्या करूँ, जब तुम मेरे अच्छे टाइम में मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो बुरे टाइम में मेरे पास आकर उससे सलाह क्यों ले रहे हो, मुझसे मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर तुम मेरे को बोलते हो कि तू पढ़ी लिखी गंवार है, तो मुझ पढ़ी लिखी गंवार से क्यों पूछते हो हर एक चीज़, मेरे को दिमाग में ये ख्याल आता है। बट फिर भी उनकी सारी गलतियों को माफ़ करके मैं उनका साथ देती हूँ। और आप कहते हो कि आप अपने पति को टोन मारते होंगे, तो मैं टोन नहीं मारती। यहाँ वीडियो पर जरूर मैंने आपसे बात किया, उसने लॉज किया कोई बात नहीं, मैंने कहा उसको कुछ नहीं कहा था, मैंने बस ये कहा था उससे कि मेरे से लड़ी हो मत। मैंने उसको कोई टोन नहीं मारा उसके बाद, और आज तक मैं उससे कोई डिस्कशन नहीं करती उस बारे में जो उसने लॉस किया है या मेरी कुछ चीज़ गई है या उस पर ताना मार रही हूँ। मैं नहीं मारती, मैं आपसे यहाँ पर जरूर बोल देती हूँ, लेकिन उसको मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अरे रोटी इसके इसको ना चॉकलेट मिली इसके तकिया के नीचे, अब ये दूसरा दांत भी हिला रहा है जबरदस्ती कि ये हिले और टूटे और मैं तकिए के नीचे रखूँ। है जा खा ले रोटी, खा रहा तो जा। आसिफ पराठा दे दे, जे दे दे ना गया यही अभी और लग नहीं रही नहाई धुली हुई। जय आसिफ पराठा दे दे से। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है इन 6 सालों में। काफ़ी सारे लोगों को पता भी है, मैं ऐसे बाल पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता, पता नहीं क्या क्या हरकत करता था, मेरे को इतना बुरा लगता था। बोलता नहीं कि मत सताओ किसी को इतना कि खुदा खुद जवाब देने लग जाए तुमको, वो काम मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। बहुत सारी बातें करती हूँ मैं, बाल प्रेस करने थे, इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन बाल मेरे अभी तक प्रेस नहीं हुए। मेरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों के दोनों, मुझे घर का काम भी करना था और बहुत टाइम हो गया है। अभी मैं 1 घंटे में बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं सारा काम। रीज़न यह है कि मैंने कभी काम नहीं करा, इसलिए मेरे काम की स्पीड इतनी जल्दी है कि मेरे 2 हाथ में मेरे 4 हाथ की पावर है। हो गए मेरे बाल प्रेस, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है खाना खाती है ना वो सब मेरे बाल खा जाते हैं। मैंने किया था अपने घर का थोड़ा बहुत काम और थोड़ा बहुत बाकी रह गया है तो वो भी निपटा लूँ। बच्चे मेरे दोनों के दोनों बाहर खेल रहे हैं, एक माँ बन गई हूँ मैं, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और जो माँ होगी उनको पता होगा। लव यू माँ। तू नहा क्यों नहीं लेता, रोज रोज नहा लेकर गर्मी हो रही है तो रोज नहाती, पर ये नहीं नहाता, क्या थक गए खेल गए, क्या चाहिए पानी चाहिए? अब दोनों एक दूसरे को देख के पानी मांगे। हाँ पानी डाल रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल साफ बोलती है लेकिन इसको अभी तक इतना बड़ा हो गया बोलना नहीं आता। और ये आज इसके साथ नहीं खेल रहे थे ये। टड़ी मार दूंगा करते हैं, टड़ी मार दूंगा। बड़े बेकार है मेरे बच्चे, अपने घर का पानी तक देने को राजी नहीं है। हैं खुद तो पी लिया, क्या उसको दूंगी मैं, तेरे को नहीं दूंगी, पता है वो तो ये ना पानी क्यों दे रहा, क्यों दूंगी मैं उसको। उनके घर तो बड़ी जल्दी खेलने जाता है, उनके यहाँ तो खा पी के आता है। इसकी मम्मी बड़ा अच्छे से खिलाती है क्योंकि मैं इसकी सिस्टर को पढ़ाती हूँ इसलिए। चलो जल्दी पियो और ग्लास दो, तुम भी खेलने जाओ। अभी 6 बजे सबको घर के अंदर घुसाऊंगी फिर मैं। मम्मी काम करे बेटे, तेरे को गोदी ले ले, शाम को तो काम करना होता है मम्मी को। है क्या हो गया बता, क्या हो गया? ले लो बेटा कोई गोदी ले लो इसे। खुद ही आके बैठ गई, मैं नीचे बैठी खुद ही आके बैठ गई, कह रही मैंने गोदी ले ली अपने आप ही। ले ली तूने अपने आप गोदी? एक चॉकलेट खा ली और फिर कहती और चॉकलेट दे दो। कहाँ चॉकलेट थोड़ी ना बन रही है मम्मी घर में, फ्रिज में ऊपर है कह रही है। कहाँ से लाऊंगी बेटा? फ्रिज में नहीं है, तुम ढूंढ लो मटर खा लो फ्रिज में से। चलो हटो यहाँ से, मटर ले लो अपने, गोदी ले लो ना, तो बस कुछ नहीं चाहिए फिर, कुछ भी मांग ले बच्चा। खा रहा है शाम का खाना, पता नहीं खाने में सब कुछ निकाल निकल के साइड में रखता है। ओए ओए मेरी बेटी वहां सो गई है, तो वहां सुसु ना कर दे इससे पहले कि अपने बिस्तर में लेके चलो उसे। बाय बाय दोस्तों एंड थैंक यू सो मच।